हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो लिस्ट है मेरे पास एक सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको एक वन बाय वन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। आपको दो टाइप की फोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज, एक पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज वाली छोटी जो फोटोज आती है वो चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज बड़ी वाली। अब इन दोनों के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। व्हाइट तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपको नेम एंड डेट होनी चाहिए फोटो के ऊपर। जो फोटो है आपकी उसके नीचे नेम और डेट होनी चाहिए आपको, और जो डेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद की होनी चाहिए, मतलब इसी साल की जो ईयर चल रहा है इसी साल की आपकी डेट होनी चाहिए। पीछे वाली डेट आपकी नहीं चलेगी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए ये सारी। अपलोड करोगे तब आप, और ये फोटो आप काफी बनवा के रख लीजिए क्योंकि आगे काउंसलिंग में भी चाहिए होती है और नीट की जब एग्जाम लगेगी तब एडमिट कार्ड में भी चाहिएगी आपको और यहाँ भी चाहिएगी, तो आप काफी सारी बनवा के रख लीजिएगा। और आपको थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन चाहिएंगे सारे के सारे, और सिग्नेचर चाहिएंगे ये सारे व्हाइट पेपर पे और ब्लू इंक से चाहिए। सिग्नेचर आप ब्लैंक इंक से भी कर सकते हो और बट फिंगरप्रिंट है वो आपको ब्लू इंक से ही चाहिए। और फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है आप वो अपलोड कीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसके लिए भी कंडीशन है कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट देना है, पुराना सर्टिफिकेट उनका चलेगा नहीं। और फिर उसके बाद चाहिए आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट सबके लिए नेसेसरी है, 12th की मार्कशीट जो बंदे विद 12 देना चाहते हैं एग्जाम उनके लिए जरूरी नहीं है, और जो पहले 12 दे चुके हैं वो अपलोड कर सकते हैं, और जो 12th के साथ दे रहे हैं उनके बाद में भी ले ली जाएगी, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। बाकी ये डॉक्यूमेंट सारे आपको ध्यान में रखने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो कोई पीडब्ल्यूडी या पीएससी बिलोंग करते हैं उनके सर्टिफिकेट, और 10th और 12th की मार्कशीट, ये सारे के सारे आपको चाहिए डॉक्यूमेंट। और 17 जुलाई को आपके एग्जाम है और 2 अप्रैल से लेके और 7 मई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, तो आप केयरफुली फिलअप कीजिए फॉर्म क्योंकि फॉर्म में गलती हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम आती है। तो और करेक्शन का मौका भी आपको दिया जाएगा, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन का मौका भी मिलता है आपको। और 90 दिन बचे हैं एग्जाम की, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, शेड्यूल बना लीजिएगा अच्छा सा और रोज पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। 90 दिन बचे हैं आपके पास ओनली, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।